पवन कुमार बंसल SPR कुवैत, उनका अनुभव और ठाकुर जी की जीवनी और पथ के बारे में इष्ट आलोचना करेंगे। जय गुरु। प्लीज वेलकम श्री पवन कुमार बंसल SPR कुवैत। ही वुड नाउ डू इष्ट प्रसंग। लेट्स ऑल ऑफ अस लिसन टू हिज ब्लिसफुल वर्ड्स एंड एक्सपीरियंस। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर, परमाध्याय जगत जननी श्री बड़ोमा, परम पूज्यपाद श्री बड़ोदा, आचार्य पूज्यपाद श्री दादा, सकल ठाकुर परिवार के चरणों मेरे भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित कर्मीगण, गुरु भाइयों, मातृमंडली, बच्चों, सत्संग प्रेमी, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज हम लोग अरब अफ्रीका की तरफ से ठाकुर जी का 133वां जन्मदिन 133rd बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण ये ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है, बट स्टिल हम लोग सब जुड़े हुए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठाकुर जी, बेसिकली हम ठाकुर जी से जुड़े हैं जो कि हमारे इष्ट हैं। ठाकुर जी की वाणी है, इष्ट लागी कर्म करा सही तो हो लो पुण्य भरा, वर्क डन फॉर द आइडियल इज फुल ऑफ वर्च्यू। बेसिकली जो हम परमपिता के लिए काम करते हैं वही हमारा पुण्य का काम है, अदरवाइज कोई भी काम करो उसमें कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल इंटरेस्ट छुपा रहता है। परमपिता का होने हमारे सेंटर में होने से वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता, म्यूचुअल इंटरेस्ट हो जाता है। परमपिता को हम सेंटर करके चलते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारे जीवन में शांति और आनंद, इसके लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है हमारे जीवन में, परिवेश में और आइडियल में। तो सेल्फ, आइडियल और एनवायरनमेंट, तीनों में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी हमें ये चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं और इस सब चीज़ का सेंटर में क्या है, ठाकुर जी। जो हमारे आइडियल हैं, हमारे गुरु हैं, वही सब सेंटर में है। तो इसलिए हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना वो इष्ट केंद्रित होना चाहिए, इष्ट को लेके ही होना चाहिए। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति हो, अगर हम इष्ट केंद्रित रहते हैं तो हम आनंद में रहेंगे, प्रेम के साथ में रहेंगे। भले चाहे कोई ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, कोई तकलीफ वाली कंडीशन आ जाए, बट स्टिल अगर हम गुरु को प्यार करते हैं, गुरु को केंद्र करके चलते हैं, तो देखेंगे कि उस परिस्थिति में भी हम उस जो नेगेटिव परिस्थिति को भी हम अच्छे से पार कर पाते हैं। ठाकुर जी की एक वाणी है, जीवन चौर्या सवार सेरा ईश्वरी जार प्रधान पुरुष, सही चौर्या तो धर्मोचौर्या बाचे बाड़े सकल मानुष। बेसिकली यहाँ ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो जीवन के जो चलने का जो तरीका है वही है जिसमें कि हमारा ईश्वर, जो हमारे गुरु, जो हमारे जो आइडियल हैं, वो हमारे मेन हो, वो हमारे प्रधान हो। उसी से ही तो मतलब धर्म केंद्रिक है, जो कि ठाकुर जी बोले ना कि बचना और बढ़ना ही धर्म है। क्योंकि धर्म मूर्त होता है आदर्श में, और आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से ही होता है वृत्ति नियंत्रण। तो बेसिकली जो हम आज जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हम लोग अपने कॉम्प्लेक्सेस से ड्रिवन होते हैं। तो ये जो वृत्ति है, जो कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये जो वृत्तियां हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस को हमको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल तभी हो पाएगा जब हम परमपिता को सेंटर करके चलेंगे, उनको लेके चलेंगे अपने जीवन में, उनके प्रति अनुराग, उनके प्रति जो ठाकुर जी ने हमें जो मंत्र दिया है वो मंत्र को लेकर चलेंगे, तभी हम वो वृत्ति का नियंत्रण होगा। ठाकुर जी बोले हैं कि आइडियल को सेंटर करके चलना है, आइडियल केंद्रित होकर चलना है। तो नेम एंड लव, ठाकुर जी बोले नेम एंड लव कैन कनकर एनीथिंग, बल्कि पूरा यूनिवर्सल को हम जीत सकते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। ये कबीरदास जी की वाणी है कि प्रेम कैसे मिलेगा। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई हम खेती करके उसको उगा लें या कहीं बाजार में जाए खरीद लें, हाँ, कैसे मिल सकता है। जो भी चाहे, राजा प्रजा जो चाहे शीश दे ले जाए। शीश दे मतलब फुल सरेंडर, 100% सरेंडर होना है,
तभी वो प्रेम मिल सकता है। तो ये जो प्रेम और जो मंत्र, जो हमने जो दीक्षा लेने के बाद जो हमको मंत्र मिला है, ये दोनों चीज जब जुड़ जाते हैं तो ये ग्रेट कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस कॉम्बिनेशन को लेकर जो चलता है जो अपने जीवन में, उसका जीवन डेफिनेटली मंगल होना ही होना है। वो चाहे वो कोई भी जगह में हो, चाहे वो एक फार्मर हो, चाहे एक लेबर करने वाला आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कहीं जॉब करता हो, चाहे कहीं टीचिंग लाइन में हो, कहीं भी हो, वो कैसा भी हो, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मन में शांति रहेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम जो जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त करना चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति, कि उसके लिए हम बहुत ज़्यादा धनी होना है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान होना, कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ बाहरी चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा जो अंदर में वो एटीट्यूड कैसा है, हमारा कोई भी चीज़ के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी सोच कैसी है उसके प्रति, हमारे भावना कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो भाव के भूखे हैं, परमपिता भाव के भूखे हैं। तो हमको भाव, वो जो अपना लगन, जो हमारा उनके प्रति प्रेम, वो भक्ति, वो लगाना है। एक जगह मैं पढ़ रहा था नारद सूत्र में, जो कि ठाकुर जी बोले हैं नारद सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र में मैं पढ़ रहा था कि भक्ति किस लेवल की होनी चाहिए। बेसिकली हम लोग कभी कभी तकलीफ में पड़ जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को हम पकड़ के चलते हैं, राइट। जैसे मान लो हमारी शक्ति, अरे मैं खुद अपनी शक्ति सोचता हूँ कि उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर लूँगा, संभाल लूँगा। या फिर होती है कि हमारा पैसा, बैंक बैलेंस, संपत्ति, तो उस बोले अरे ये इसके कारण मैं संभाल लूँगा। एक होता है रिलेशनशिप, हमारे दोस्त परिवार पर संबंधी, बेसिकली हम बाहरी, ये सब बाहरी चीज़ें हैं। हम सोचते हैं इस पे ही हम पूरा जोर लगा के रखते हैं और इसी पे ही हम अपना सब दाव लगा के रखते हैं कि भाई ये हमको संभाल लेगा। जबकि वो जब रियल भक्ति क्या होती है, हम ये मान के चलते हैं कि परम पिता ही हमारे सबसे एक केवल हैं, जो तारनहार हैं, जिन पे हम आश्रय, जिनका हम आश्रय ले सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम जिस पे हम सोच रहे हैं, या अपना शरीर, शारीरिक बल है, या अपना आस पड़ोस के लोग हैं, या पैसा संपत्ति है, ये सारी चीज़ उनकी ही देन है। तो हर जगह पर हम उनकी ही उनका ही आश्रय मान के चलते हैं। जैसे मान लो आज एक छोटी सी एग्जांपल है कि द्रौपदी का जब चीरहरण, वस्त्रहरण हो रहा था, तो उस समय वो पूरे जो कुरु सभा में वो अपने पतियों की तरफ बोल रही थी कि आप लोग मुझे बचा लें, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। फिर उधर वो अपने जो बड़े जो लोग थे कुरु की तरफ से, वो लोग को भी बोल रही है, भीष्म पिता, मैं, धृतराष्ट्र, सब लोगों को बोल रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं किया। फाइनली वो देखी कि मैं अपने हाथ से, अपने अपने जोर से वो बचाने की कोशिश की कि कपड़े को बचा सके, लेकिन वो भी नहीं बचा पाई। फाइनली वो टोटली जब सरेंडर करी, जब दोनों हाथ ऊपर उठाकर जब टोटली सरेंडर करी, तब जाकर परम पिता जो श्री कृष्ण, उन्होंने एक वस्त्र के रूप में बन के और उनकी लाज बचाई। तो बेसिकली तो ये जो टोटल सरेंडर तभी होगा जब हम उनको ही अपना आश्रय समझेंगे और बाकी की सारी चीज़ जो है सेकेंडरी है, वो उनकी ही देन है, ऐसा मान के चलेंगे, तभी होता है। गुरु एक हमारे जो हम ठाकुर जी हैं वैशिष्ट पाली हैं, क्योंकि ठाकुर जी बोले कि सभी इंडिविजुअल हैं, सभी अलग हैं, तो कोई भी एक जैसा नहीं है, सबके अंदर में अलग अलग क्वालिटी है, कोई भी दो एक जैसा नहीं है। तो वो वैशिष्ट पाली हैं, ही इज़ फुलफिलर द बेस्ट। एक बार की बात है, जैसे एक घटना मैं जैसे सुनाता हूँ, ठाकुर जी के समय की बात है, जब ठाकुर जी देवघर में रहते थे, तो एक जन बहुत कोई गरीब हालत में ठाकुर जी के पास में आया और प्रणाम करके ठाकुर जी को निवेदन करता है, ठाकुर मैं बहुत बुरी अवस्था में हूँ, मेरा परिवार को भी चलाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, मैं ऐसी परिस्थिति में रहता हूँ। तो ठाकुर जी बहुत प्यार से वो सारी बातें सुनते हैं। फिर उसके बाद में ठाकुर जी बोलते हैं, मैं जब से हिमायतपुर से यहाँ देवघर आया हूँ, मैं कभी भी आउस चावल नहीं खाया, तो क्या तुम मेरे लिए आउस चावल उगाकर अपने खेत में और हरी सब्जियाँ उगाकर मेरे लिए लेके आओगे? तो वो तो मतलब भक्त है, वो प्यार तो बहुत करता ठाकुर जी को, लेकिन वो परिस्थिति वैसी थी। तो जैसे ही वो सुना तो कि भाई ठाकुर जी मुझसे कुछ मांग रहे हैं, मुझसे कुछ चाह रहे हैं, तो बहुत खुश हुआ, बोला हाँ ठाकुर जरूर जरूर, मैं आपके लिए आउस चावल और हरी सब्जी जरूर लेके आऊँगा। तो वो उनका परिवार जब वो घर में जाकर, उनके पास छोटी सी ज़मीन थी, वो ज़मीन को वो उसमें आउस चावल लगाए और बहुत मेहनत किए।
प्लस और कुछ हरी सब्जियां उन्होंने उन्होंने लगाई बहुत मेहनत करके। जब जब वो खेती हो गई, जब वो फसल आ गई, तो उस समय देखे कि बहुत सारी मतलब जो इस बार जो जो फसल हुई बहुत अच्छी फसल हुई, जो रिलेटिवली जो बाकी के समय से बहुत अच्छी फसल हुई। तो बहुत सारा आउस चावल, आउस धान का चावल, और प्लस बहुत सारी हरी सब्जी, जैसे पहले पपीता, खीरा, केला, ये सब जो काफ़ी चीज़ें जो हुई वो सारी चीज़ें लेकर ठाकुर जी के पास में आए और ठाकुर जी को दिए। ठाकुर जी देखकर बहुत खुश हुए। तो बेसिकली ऐसा करते करते जो उनकी जो 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 प्रॉब्लम थी कि भाई उनको कभी खाने को नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनको ठाकुर के प्रति प्यार था। वो प्यार के कारण उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो क्षमता बढ़ चुकी थी। ठाकुर जी बोलते हैं इमोशन क्या है, इमोशन दैट ड्राइव्स वन टू मोशन। तो बेसिकली वो ठाकुर जी के प्रति जो लगाव था, वो जो प्यार था, वो प्यार के कारण और ठाकुर जी की जो इच्छा उनसे मांगे, तो इसके कारण उनकी इच्छा, कर्म करने की इच्छा और बढ़ गई, और वो उसके कारण वो इतना सब कर पाए, और अल्टीमेटली जो उनके जो जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो ये बेसिकली इस पूरी घटना से हमको क्या समझ में आती है? तो बेसिकली जो मुझे समझ में आता है कि ठाकुर जी एक तो बहुत अच्छे लिसनर हैं, ही इज़ अ गुड लिसनर, और वो हर एक को एक ही सॉल्यूशन नहीं देते। हो सकता सेम प्रॉब्लम दो जन को है, तो जिसके लिए जो जरूरी है वो वैसा ही सॉल्यूशन देंगे। तो वैशिष्ट्य पाली हैं। तो बेसिकली ठाकुर जी को लगा होगा कि भाई ये मतलब इसके अंदर में क्षमता है, वो क्षमता लेकिन निकल के नहीं आ रही है बाहर। तो इसलिए ठाकुर जी ने उनको बोला कि भाई तुम ये पर्टिकुलर चावल उगाओ। तो मतलब वो हो सकता है कि वो चावल की उस परिवेश में रिक्वायरमेंट बहुत होगी, जो बहुत कम लोग करते होंगे। प्लस एट द सेम टाइम इससे उसको मेहनत करने की जो प्रेरणा मिली ठाकुर जी जब बोले, तो वो मेहनत भी किया, प्लस सब्जी भी बोले लगाने के लिए। तो मतलब वो दोनों तरह से वो खाने की जो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि चावल एक समय के बाद ही मिलेगा लेकिन सब्जी तो हर समय मिलेगा, तो सब्जी थोड़ी बहुत बेच के वो अपना चला सकता है काम। तो समहाउ तो बेसिकली अगर हम इष्ट के लिए, इष्ट जो बोलते हैं, अगर उस हिसाब से चलते हैं, तो हमारे जो जो भी प्रॉब्लम्स हम जो सोच रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। ठाकुर जी की एक वाणी है ना, सफर फॉर हिम सफरिंग्स विल फ्लाई अवे। तो बेसिकली अगर हम परम पिता के लिए आत्मसमर्पण होकर उनके उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी जो सफरिंग्स, हमारी जो तकलीफें हैं, वो कहाँ चली जाएंगी, कहाँ उड़ जाएंगी, पता नहीं है। तो ठाकुर जी हमको बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं। एक बार की घटना है, एक पंचानंद सरकारदा जो कि बहुत अच्छे टीचर थे, वो ठाकुर जी के जो जो स्कूल था उसमें वो प्रिंसिपल थे, और एक बार वो आकर ठाकुर जी को बोलते हैं, ठाकुर ये स्कूल में तो बच्चे लोग बहुत कुछ बच्चे बहुत ख़राब हैं, और कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं, और लोगों को भी पढ़ने नहीं देते हैं, तो आप मुझे थोड़ा अलाउ करिए कि मैं कुछ बच्चों को निकाल दूं। तो ठाकुर जी थोड़ा सा एक मतलब सोचने लगे और थोड़ा गंभीर हो गए, और ठाकुर जी उनको बोले कि अच्छा पंचानंद, आप बताइए कि धोबी के पास में हम कैसे कपड़े लेके जाते हैं, गंदे कपड़े ना अच्छे कपड़े? तो पंचानंद बोलते डेफिनेटली गंदे कपड़े। तो थोड़ी देर बाद पंचानंद समझ गए कि ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। बेसिकली ठाकुर जी ये बोलना चाहते हैं, पहली चीज़ है कि ठाकुर जी का जो मिशन है वो मैन मेकिंग मिशन है, वो किसी को भी छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि सबको चाहते हैं कि सबको लेके चलें और सबको आगे बढ़ाएं। ठाकुर जी बोलते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो जो बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाश हैं, लेकिन हमारा क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि उनमें भी वो अच्छाई हम पैदा कर सके, उनमें भी वो प्रेरणा डाल सके, जिससे कि वो भी अच्छे बन जाए। तो अगर वो बच्चे पहले से ही अच्छे हैं तो टीचर का क्या रोल हुआ? तो पंचानंद समझ गए और कि भाई उनका रोल है कि वो उन बच्चों को भी कैसे अच्छा बनाए। तो ठाकुर जी हर जगह रूट में काम करते थे और किसी के अंदर भी मतलब बुरा नहीं देखते थे, बोल देखते थे कि उसमें क्या अच्छा है। ठाकुर जी बोलते ट्राई टू सी ब्यूटी इवन इन द अगली, कू में भी अच्छा देखने की कोशिश करो। तो वो उसमें भी अच्छा देखने की बात करते हैं ठाकुर जी। तो उसके बाद पंचानंद समझ गए कि ठाकुर जी हमको क्या बोलते हैं, और वो प्रणाम करके ठाकुर जी और क्षमा मांगते हुए बोले कि ठाकुर जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भी मैं अपने इस दायित्व को अच्छे से संभाल कर सकूं। तो ऐसे करके ठाकुर जी छोटी छोटी घटना से और इतना बड़ा मैसेज दे देते हैं कि
कि भी हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सबको लेके चलना है, सबके अंदर में अच्छाई है। और ठाकुर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि प्रशंसा करने में कभी भी कृपणता नहीं करनी है, मतलब खूब खुल के प्रशंसा करनी है दूसरों की, लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। एट द सेम टाइम ये बोल दिए कि अपनी प्रशंसा नहीं करनी लेकिन दूसरों की, और उसमें भी हमारा कोई मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रशंसा करनी है। एक और घटना मुझे याद आती है हाउजर मेंदा की। ये बेसिकली हम जो ये घटना रिलेटेड है, मैं जस्ट बता दूं, ठाकुर जी हमारे जो 57 में क्लियरली लिखे हैं ना शुरू में कि भाई भारत की उन्नति तभी से आरंभ हुई जब भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे, ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। तो मतलब ऋषियों को, मतलब रियल जो ज्ञानी पुरुष थे उनको छोड़ दिए, जो गुरु थे, हमारे मास्टर थे, हमारे भगवान थे, उनको हम छोड़ दिए, लेकिन उनकी किताबें, उनकी बातों को हम ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ठाकुर जी मतलब यहाँ बताना चाहते थे कि एक होता आइडियल और एक आइडिया। ठाकुर जी बोलते हैं आइडिया से कोई भी ड्रिवन नहीं होता, कोई भी मोटिवेटेड नहीं होता, बल्कि आइडियल से है। तो इसलिए आइडियल सेंट्रिक की बात बोले, कभी भी आइडिया सेंट्रिक नहीं बात की। और आइडिया परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, हम कहाँ पर कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। एक ही चीज़ एक जगह में सही हो सकती है, दूसरी जगह में गलत हो सकती है। एक जगह पर अगर हम बॉर्डर में अगर हम किसी को गोली चलाते हैं, कोई मर जाता है, तो वहीं पर वो सराहनीय काम है जो अगर उसका दुश्मन मर जाता है। अगर वही अगर हम कहीं नॉर्मल जीवन में किसी को मारते हैं तो वही गलत काम है, वो सज़ा मिलती है। तो बेसिकली तो कोई भी चीज़ परिस्थिति के हिसाब से ठीक होती है, परिवेश के हिसाब से ठीक या गलत होती है। तो इसलिए आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गुरु बहुत ज़रूरी है, जो भगवान बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको बताएंगे कि कैसे करके चलना है। तो ये जो मैं घटना बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड है। हाउजर मेंदा जो कि एक अमेरिका के भक्त थे जो ठाकुर जी के पास में आकर रहते थे, तो एक बार की बात है, हाउजर मेंदा को सुबह सुबह कहीं जाजन काम के लिए जाना था। तो ठाकुर जी के पास में आए हुए थे, तो ठाकुर जी उनको बोलते हैं, हाउजर मेंदा आपसे मुझे थोड़ा काम है, आप ना थोड़ा रुक के मुझसे मिलिएगा। तो हाउजर मेंदा बोलते हैं कि ठाकुर जी मुझे जाजन काम कार में जाना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी बहुत मधुर स्वर में बहुत धीरे से बोले कि क्या तुमको मैं ज़्यादा प्रिय हूँ कि मेरा काम ज़्यादा प्रिय है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैं ज़्यादा प्रिय हूँ कि मेरा काम ज़्यादा प्रिय है। तो वो हमको समझना है अभी हमारे कि क्या हम देख के चल रहे हैं, क्या हम सिर्फ ठाकुर जी की मतलब लकीर का फकीर नहीं बनना है, बल्कि जो ठाकुर जी बोले हैं, जो हमारे गुरु बोले हैं, जो हमारे मास्टर बोले हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है उस चीज़ के पीछे, क्या पर्पस है, वो चीज़ समझ के चलना है। अभी जैसे आचार्य देव हैं, ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा करके छोड़ के गए हैं, तो अभी आचार्य देव हमसे क्या चाहते हैं। एक ही चीज़ एक ही परिस्थिति में सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आचार्य देव मुझसे क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सेम चीज़ दूसरों से दूसरी तरह से चाहते हैं। तो हमको आचार्य केंद्रित होकर चलना है। जैसे ही अगर हम आचार्य केंद्रित नहीं हुए, विचलित हो गए, इसका मतलब है कि हम सेल्फ सेंट्रिक हो गए, हम खुद को केंद्र मान के चलने लगे हैं, वहाँ ईष्ट केंद्रित नहीं रहे। ये बहुत बहुत थिन लाइन है, ये हमको समझना है कि कब हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, कब हम गुरु के हिसाब से, आचार्य के हिसाब से चल रहे हैं। अगर ठाकुर जी बोले हैं कि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स, तो अगर मतलब हमारे जीवन में परमपिता ही केंद्र में है, उनको ही प्राइमरी मान के चलना है, उनको ही फोकस करके चलना है। बाकी के सारे लोग ठाकुर जी को लेके हैं, इसलिए बाकी लोग हैं। अदरवाइज मतलब प्राइमरी हमारे लिए कौन है वो हमको समझना है कि ठाकुर हमारे लिए प्राइमरी है, वही हमारे मेन आश्रय हैं। बाकी के जो चीज़ हैं, बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है, वो उन्होंने ही मुझे दिया है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। हर जगह पर उनकी ही दया, उनका ही प्रेम, उनकी ही करुणा समझ के चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले हैं सद्गुरु के सरनापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। ठाकुर जी बोले हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली हमको करना क्या है, सद्गुरु को ठाकुर जी को लेके चलना है, सतनाम मनन करना है, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। सत्संग मतलब सत्ता पोषणी संघ, ऐसा संघ जिससे हमारी सत्ता का, जो हमारा एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, जो कि धर्म बोलते हैं, जिससे हमारा धर्म बचना और बढ़ने का जो धर्म है,
हम सबको लेके चलते हैं, जो वो सार्थक हो वो इम्पोर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, नेम एंड लव कैन कनकर एनीथिंग इवन होल यूनिवर्स। तो ये चीज़ हमको लेके चलना है, हमारा जीवन डेफिनेटली सुंदर होगा। हमको बार बार समझना है कि क्या हम किस पे आश्रय ले रहे हैं, क्या हम परमपिता पे आश्रय ले रहे हैं या हम बाकी चीज़ों पे को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो जैसे मैं बताया, शरीर, अपना शारीरिक बल या फिर धन संपत्ति का बल या अपना परिवेश और अपने जो आस पड़ोसी जो हमारे जो या फिर हमारे परिवार का बल, क्या हम उस पर ज़्यादा जोर तो नहीं दे रहे हैं? जैसे ही हम उन पर बल जोर देंगे या उन पर आश्रय लेने लगेंगे, इसका मतलब हम अहम आ गया, हम अपने आप को ही बड़ा समझने लगे। तो यानी कि हमारा जो फोकस, ठाकुर जी सेकेंडरी हो जाएंगे और ये प्राइमरी हो जाएगा। तो जैसे ही वो हम ये प्राइम पूजने बाबादा बोलते हैं इष्ट नहीं तो अनिष्ट। अगर हम मंगल से जैसे ही दूर हुए, अनिष्ट बैठा हुआ है जो कि हमको पकड़ने के लिए, तो हमको इष्ट को कभी भी नहीं छोड़ना है, मंगल का पथ कभी भी नहीं छोड़ना है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और सबके मंगल की प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। धन्यवाद श्री पवन कुमार बंसलदा। हम आपका और आपकी परिवार की मंगल कामना ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं। थैंक यू श्री पवन कुमार बंसलदा। वी प्रे फॉर यू एंड योर फैमिलीज ब्लिसफुल लाइफ एट द होली फीट ऑफ श्री ठाकुर। जय जय। श्री दीपक कुमार दास, एसपीआर खाना, उन्हीं ओनर अनुभव और ठाकुर जीवन और पथेर सम्बन्धे इष्ट आलोचना करबें। श्री दीपक कुमार दास, एसपीआर खाना, वुड नाउ डू इष्ट प्रसंग। लेट अस ऑल लिसन टू हिज एक्सपीरियंसेस एंड ठाकुर्स आइडियोलॉजी which will help each and every individual to uplift his life. Jai Guru. Gatir Bharta Prabhu Prishta Ishwara Purushottam Abraham Hastam Bhagradata Sadgurustvam Namastute Pranamami Lakshmi Mata Saraswati Padharani Anukula Shakti Rupa Vishwananda Vidhayani Dusi Sampujaya Devi Purushottam Sangini Vishwa Kalyanmayi Mata Mahalakshmi Namastute ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम् प्रेम भक्ति विनायकम् संतिम स्वस्तिम विधायकम् आचार्य प्रब्रह्मामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मीमा, प्रधानाचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा राघुचरण, आमार कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार पूजनीय बाबायदा, पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकिदा एवं समस्त गुरुजनदेर आमार ভক্তিগত প্রণাম জানাই। আজকে আমরা সবাই আরব আফ্রিকা কেন্দ্রে ভার্চুয়ালি শ্রী শ্রী ঠাকুরের 133তম জন্ম মহোৎসব পালন করছি। সেই উপলক্ষে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ভক্তিপূত রায় আর জয়গুরু জানাই, সবাইকে অভিনন্দন জানাই। করোনার দরুন আমরা এই উৎসব ভার্চুয়াল মোডে সেলিব্রেট করছি। প্রত্যেক বছর এই উৎসব আরব আফ্রিকা সৎসঙ্গ কেন্দ্রে খুবই আড়ম্বরে পরিপালিত হয়। এবারে আমরা এই মাধ্যমেই ঠাকুরকে সেলিব্রেট করছি, ঠাকুরের জন্ম মহোৎসবকে সেলিব্রেট করছি আর এই উৎসবের পালন করছি। আমি শুধু ঘানা থেকে আপনাদের মধ্যে যোগ দিয়ে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করছি। সৎসঙ্গের সময় সংক্ষিপ্ত, আমরা সবাই তাকে সেলিব্রেট করছি, তাকে নিয়ে চলছে জীবন। তার সম্বন্ধে কয়েকটি জিনিস বলে আমি আমার আলোচনা সঙ্গ করব। আমরা সত্যানুষ্ঠানে একটা জিনিস পড়ি সবাই, যে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য, ভালোবাসা, জানা যার কর্ম এবং কর্ম যার ভেতরে সহজ উচ্চারিত এবং যার প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন তথা জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান হয়, তিনি মানুষের ভগবান। আমরা বলি যে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য, জানার ভালোবাসা, কর্ম যার ভেতরে সহজভাবে উচ্চারিত, উনি হলেন আমাদের প্রিয় পরম পুরুষোত্তম, বা আমরা যাকে বলি আমাদের লাভ আইডিয়াল, আমাদের ভালোবাসার প্রতীক, যিনি উনি
আমাদের জীবনের সর্বস্ব। তাকে নিয়ে জীবনে চললে, তাকে নিয়ে জীবনে আমরা যদি আমাদের জীবনটাকে আমরা যদি ঊর্ধ্বমুখী বা উচ্চমুখী করে চলি, তখন আমাদের জীবনে আমরা সবাই ঊর্ধ্বগামী বা ইষ্টমুখী হয়ে থাকি। সত্যানুসরণে আরেক ঠাকুরের বাণী আছে যে, সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন করো আর সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি যে তোমাদের আর তোমার অন্যজনে ভাবতে হবে না। উনি আমাদের অভয়দান করেছেন, অভয়বাণী দিয়েছেন, যদি আমরা ওনার শরণাপন্ন হই, ওনাকে নিয়ে চলি, ওনার সৎনাম মানি, সৎসঙ্গে যোগদান করি, সৎসঙ্গে আশ্রয় নিয়ে চলি, আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তাই যখন পুরুষোত্তম আসেন তখন উনি গ্রহণীয়, উনি অনুসরণীয়, উনি যজনীয়, কারণ উনি সবাই সব পূর্বতন গুরুদের পরিপূরণ করে আসেন। উনাকে উপেক্ষা করে সব পূর্বতন গুরুদের মধ্যে উপেক্ষা করা যায়। তাই একটা ঠাকুরের বাণী আছে যে, পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, উনাকে ধরলে হয় না কিন্তু গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা। যখন পুরুষোত্তম আমাদের মাঝখানে আসেন, ওনাকে গ্রহণ করা আমাদের সবার জন্য প্রযোজ্য। আরেকটা জিনিস বলি এখানে, যে ঠাকুর বলছেন দীক্ষা নিয়ে নিয়ম মতো চললে তবে হয় উন্নত। আমরা শুধু ওনাকে গ্রহণ করব, কিন্তু ওনার যা বলা বা নির্দেশ আছে আমাদের প্রতি, যে তাকে আমরা প্রতিনিয়ত না নিয়ে চলি জীবনে, তাতে কিন্তু আমাদের উন্নতি বা নিজের আমরা জিনিসকে রেক্টিফাই করতে চাই, নিজেকে যে ইভলভ করতে চাই, সেই জিনিসটা হয়ে ওঠে না। আমরা ওনাকে নিয়ে জীবনে যতটা নিখুঁতভাবে চলতে পারি, আমাদের প্রাপ্তি, ঈশ্বর প্রাপ্তিটা ততভাবে হয়ে ওঠে। দীক্ষার বাস্তব অর্থটা হচ্ছে আমরা অনুশীলন ভিতর দিয়ে ওনাকে নিয়ে জীবনে দক্ষ হয়ে উঠি। আমরা যে দীক্ষার মাধ্যমে সৎনাম পাই বা মন্ত্র সৎমন্ত্র পাই, তার চিন্তন ও মনন ভাগ করলে মানুষের মন পবিত্র থাকে এবং নির্মল হয়। শাস্ত্রে একটা ওই ছোটো বাণী আছে যে, মনাত তারয়তে ইতি মন্ত্র, যে মনের তারণ করে মনকে ঊর্ধ্বগামী করে মনকে ওনার সাথে যোগযুক্ত করে রাখে, তাই হলো মন্ত্র। শ্রী শ্রী দাদা বলেছেন একটা জায়গায় যে, আমরা যদি মনটাকে উল্টো করে পড়ি ওটা হয় নাম বা নম। আচার্যকে অনুসরণ করে, পুরুষোত্তমকে অনুসরণ করে যখন মানুষ নতি স্বীকার করে চলে, তখনও সর্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে এবং তার ভিতরে ওই যে ইষ্টকেন্দ্রিক থাকার বোধ, ইষ্টকেন্দ্রিক হয়ে চলার জীবনে যে একটা ঊর্জা থাকে, তা আরও প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর হয়ে ওঠে। তাই আমরা সবাই যারা ঠাকুরকে নিয়ে চলছে জীবনে, তাদের এটা প্রতিনিয়ত মানা করা দরকার যে আমরা যেমন ঠাকুরকে নিয়ে যজন যজন ইষ্টভূতি কেন্দ্রিক হয়ে চলতে পারি। ঠাকুরের আরেকটা জিনিস বলা আছে একটা জায়গায়, যে দীক্ষা নিয়ে যে অনুশীলন করে প্রতিনিয়ত ঠিকভাবে জীবন চালনা করে, তার চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। অনেক সময় আমরা ভাবি যে ঠাকুর সত্যানুসরণ বলেছেন যে, অর্থবান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আসে আমাকে ঠাকুর সে ভক্ত হইও না, ফাঁকি দিলে তোমরা কিছুই পাবে না তাতে। ওই জায়গায় যদি আমরা এই জিনিসটাকে আবার দেখছি যে ঠাকুর একটা জায়গায় বলছেন যে, দীক্ষা নিয়ে যদি আমরা ঠিকভাবে অনুশীলন করে চলি, আমাদের চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। সেটা কি? ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষর প্রাপ্তি হয় তাকে। প্রথম উনি বলছেন যে আমাকে ধরে চললে আমরা কিছু পাবো না, কিন্তু পরে আরেক জায়গায় বলেছেন যদি আমরা দীক্ষা নিয়ে ঠিকভাবে অনুশীলন করে চলি জীবনে, তাহলে আমাদের চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়। কারণ মানুষ প্রাপ্তিটা নিয়ে ভাবে যে আমরা কীভাবে চললে বা কীভাবে জীবনটাকে ঠিকভাবে চলালে আমরা জীবনের সব জিনিসের মানে আমাদের জীবনের সব জিনিসের প্রাপ্তি হয়। তার একটা উদাহরণ হলো যে, আমরা যদি ইষ্টকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে চলি, আমাদের জীবনে প্রায় আমরা সবসময় ফুলফিল হয়ে থাকি। আমি এখন আসবো অনেক, আমরা যে বলি যে আইডিয়াল সেন্ট্রিক লাইফ আমরা যে চাই জীবনে, যে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলবো জীবনে, আইডিয়াল সেন্ট্রিক হয়ে চলবো জীবনে, তাতে আমাদের জীবনে কী লাভ হয় বা কী জন্য আমরা করব। আমরা ঠাকুর বলছেন যে, আমাদের কমপ্লেক্সগুলি যেটা আছে, আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তি, তাকে কন্ট্রোল করে রাখার জন্যে একজন গুরু বা ঈশ্বর প্রয়োজন জীবনে, যিনি এইসব জিনিসকে কনকর করেছেন, যিনি এইসব জিনিসের অনেক ঊর্ধ্বে, যিনি এইসব জিনিসকে আয়ত্ত করে রেখেছেন,
আমরা তাকে যদি জীবনে চলি তাহলে আমরা সব কমপ্লেক্সকে আয়ত করতে পারবো, বা আমরা নিজের মানে ওদের ওদের অধীন ন হয় আমরা ওদের ওদের নিয়ে জীবনটাকে এনজয় করতে পারবো। ওনাকে ফুলফিল করা, ওনাকে সার্ভ করা যদি আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় বা গোল হয় তাহলে আমাদের জীবনটা আরও এনজয়েবল বা এনরিচিং হয়ে ওঠে, ফুলফিলিং আর এনরিচিং হয়ে ওঠে। আইডিয়াল সেন্ট্রিক লাইফটা আমাদের জীবনে ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আসে, ইফেক্টিভনেস নিয়ে আসে, এফিসিয়েন্সি নিয়ে আসে আর পিউরিফিকেশন নিয়ে আসে। আমাদের জীবনে যদি আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলি বা আইডিয়াল সেন্ট্রিক হয়ে জীবনে চলি আমাদের জীবনে জীবনটা অনেক উপভোগ্য হয়ে ওঠে, বা জীবনে অনেক উন্নতি বা জীবনে অনেক এলিভেশন আমাদের লাইফে আসে। আমরা জীবনটাকে কীভাবে আনন্দ নিয়ে চলতে পারি সেটা আমরা তখন বোধ করতে পারি। ঠাকুরের একটা জায়গায় আছে যে অফহোল্ডিং দি আর্জ অফ এক্সিস্টেন্স ইজ ধর্ম। ঠাকুর বলছেন যা জীবনের এক্সিস্টেন্সটাকে ধরে রাখে তাই হলো ধর্ম। থ্রু বোথ আওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড কালেকটিভ লাইফ ইজ নার্চার্ড। আমাদের যখন ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনটা ঠিকভাবে চলে, নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলে, তখন ওটাকে আমরা ধর্ম বলে বলি। যে আমাদের জীবনের এক্সিস্টেন্সটাকে যে অফহোল্ড করে রাখতে পারে সেটা হলো ধর্ম। আর যে ঠাকুর বলছেন রিলিজন ইজ নাথিং বাট কমিউনিয়ন উইথ ওয়ান দি লাভ লর্ড। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে ধর্ম তাই হুইচ ইজ কমিউনিয়ন উইথ ওয়ান, একজনের সাথে আমাদের যখন নিবিড়তা বেড়ে যায়, যিনি আমাদের প্রেমী বা প্রেমের যাকে আমরা বলি কেন্দ্রবিন্দু বা প্রেমের আল্টিমেট আমাদের লাভ লর্ড শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, তাদের সাথে আমাদের যদি কমিউনিয়ন থাকে ওটাকে আমরা রিলিজন বলি। শ্রী শ্রী ঠাকুর আরেকজন এক জায়গায় বলছেন যে রিলিজন মে বি মেনি বাট দি প্রিন্সিপলস অ্যান্ড রিয়েলাইজেশন আর দি সেম। ঠাকুর বলেছেন সত্যানুসারেও ধর্ম অনেক হতে পারে, মত বহুত হতে পারে কিন্তু ধর্ম অনেক হয় না। শ্রী শ্রী ঠাকুর আরেক জায়গায় বলছেন অ্যাডহেরেন্স টু কমন আইডিয়াল গেদার্স পিপল ব্যালেন্সিং দি ডিফারেন্স বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড অ্যানাদার। ওই জিনিসটাকে শ্রী জেসাস ক্রাইস্ট একটা জায়গায় বলছেন যে হুই ডাজন্ট গ্যাদার উইথ মি স্ক্যাটার্স। ওটা ঠাকুরের একটা বাংলা বাণী আছে আমরা সবাই জানি যে ইস্তে চেয়ে থাকলে আপন ছিন্ন ভিন্ন তার জীবন। যদি আমাদের জীবনে অন্য কেউ ওনার থেকে আর ভালো আমরা কাকে ভালোবাসি বা ওনার থেকে যদি কেউ আমাদের জীবনে আপন হয় তাহলে আমাদের জীবনটা কিন্তু বিচ্যুত ইষ্টকেন্দ্রিক না হয় বিচ্যুতের দিকে চলে, আর তখন আমরা জীবনে অ্যাকচুয়াল যেটা বলে এটার্নাল লাভ এটার্নাল প্লেজার, মানে যাকে বলে আমরা আলটিমেট জয় আলটিমেট হ্যাপিনেস বা এটার্নিটি, আমরা তাকে তখন উপভোগ করতে পারি না। আমাদের সত্যানুষ্ঠানের ছোট একটা জিনিস লেখা আছে এক জায়গায় যে পরমপিতার কাছে আমরা প্রার্থনা জানাই যেন ওনার ইচ্ছাই মঙ্গল, আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হয়, আমার ভিতর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আর সেই জন্যে তুমি রাজি থাকো, তুমি সবসময় আনন্দে থাকবে, দুঃখ তোমাকে কোনো দিন স্পর্শই করবে না। কিন্তু ওনার উপর আমার এই বিশ্বাস থাকা দরকার যে উনি যা চান তাতে আমার মঙ্গল হয়, উনি যা চান তাতে আমি ফুলফিল থাকি, উনি যা করেন বা যা চান আমার জন্য জীবনে দ্যাট ইজ দি বেস্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি আলটিমেট হুইচ ক্যান এলিভেট মি অ্যান্ড হুইচ ক্যান ফুলফিল মি ইন মাই লাইফ। আরেক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, আমি এটাকে একটা অন্য জায়গায় একটু অন্য মারফতে বলছি, যখন ঠাকুর বলছেন যে অন্য যদি ভুল দেখা বা কু দেখা আমাদের জীবনে যদি হয় তাহলে আমরা কিন্তু কাকে ভালোবাসতে পারবো না, আর যদি আমরা কাকে যদি ভালো না বাসি কার সৎ না দেখি তাহলে জীবনে আমরা কিন্তু সৎ হতে পারবো না। ঠাকুর সত্যজন আছে যদি আমাদের ইচ্ছা অন্যর কেবল কুই দেখা অন্যর ভুলই দেখা, আমি এই জিনিসটা সাংগঠিক জিনিসে বলছি, ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের সবাই সবসময় সৎকে নিয়ে চলা, সৎকে যজন করা, সৎকে যাজন করা, সৎকে অফহোল্ড করা, এই জিনিসটা যদি আমাদের ভিতরে যদি সবসময় কনসেন্ট্রিকভাবে থাকে আমাদের মাথায় থাকে যে এটা আমি করলে ঠাকুর ভালোবাসেন কিনা, এটা আমি করলে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় কিনা, এটা আমি করলে আচার্য খুশি হন কিনা, যদি এই ভাবটা আমার ভেতর থাকে তাহলে আমরা জীবনে কনসিয়াসলি বা আনকনসিয়াসলি কোনো ভুল করতে পারবো না। এই জিনিসটা আমাদের মাথা রাখা সবসময় দরকার, কারণ আমরা একটা সৎসঙ্গে এরকম একটা অনুষ্ঠান যাতে আমরা বলি মানুষ তৈরি হয়, উই রিফর্ম পিপুল, উই এলিভেট পিপুল, উই ইভলভ পিপুল, হিউম্যানিটিকে ইভলভ করতে ঠাকুর এসেছেন। তাই আমাদের ভিতরে যদি এই ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু যায় যে আমাদের ভিতরে যদি ভালোবাসাটা স্ফুরিত না হয়, আমাদের ভিতরে ভালোবাসাটা যদি ইভলভ না হয় তাহলে আমরা কী করে অন্যদের এলিভেট করব বা অন্যদের আমরা রিফর্ম করতে পারি। এই সম্বন্ধে
ঠাকুর বলছেন আর একটা ঠাকুরের একটা জায়গায় আছে, যখন পুরুষোত্তম আসেন, যখন ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু, তিনি সবাইয়ের জীবনদাণ্ডা, তিনি সবাইয়ের জীবন মেরু। তাই আমি বলছিলাম একটু আগে যে যখন উনি আসেন উনি আমাদের প্রযোজ্য, উনি আমাদের গ্রহণীয়, উনি আমাদের লাইফে সেন্টার পয়েন্ট। তাই উনি আমাদের যখন জীবনে আসেন ওনাকে নিয়ে চলা, ওনাকে নিয়ে আনন্দ করা, ওনাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা জীবনে, সেটা আমাদের জীবনে যেরকম আমাদের সবার কাছে যেন একটা প্রাইম ফোকাসে থাকে। তা থেকে একটু আগে গেলে আমরা যে আচার্য পরম্পরার কথা বলি, আচার্যকে নিয়ে চোখ কথার বলি, আচার্যকে জীবনে মাথার কাছে নিয়ে বলি, কারণ পুরুষোত্তম এখন নেই, উনি ওনার অবর্তমানে আচার্যকে নিয়ে জীবনে চলা সবারই করণীয়, কারণ উনি হলেন, হি ইজ দি অনলি পার্সন হু ইজ ফুল 100% রিয়েলাইজড অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ইভলভড অ্যান্ড হি ইজ দি ম্যানিফেস্টেশন অফ শ্রী শ্রী ঠাকুর। তাই আমরা যখন বলি পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু, তিনি সবার জীবনদণ্ডা, তিনি সবার জীবন মেরু। আর একটা জিনিস ঠাকুর বলেছেন যে গুরুর পূজা না করলে কিন্তু কোনো দেবতার হয় না পূজা, সর্বদেবতার সিদ্ধ আসন গুরু কিন্তু তার ধ্বজা। আর জায়গায় ঠাকুর বলেছেন সব তপেরই একটি পথ আচার্য নিষ্ঠ অনুকরণ, তেমনি করেও বোধটি গজায় ধরে ও বোধে করে তেমন। তাই আমাদের জীবনে উনাকে নিয়ে চলা, আচার্য কেন্দ্রিক হয়ে চলা, এ নিহাতি জীবনে আমাদের দরকার। তারপর আমি একটি জিনিস, ছোটো জিনিস বলবো, এটা আমি প্রায়ই অনেকটা সৎসঙ্গে বলি যে আমরা ঠাকুরের, প্রথমে ঠাকুরকে গ্রহণ করার পরে ঠাকুরের আমরা দীনতম সেবক, ঠাকুরের সেবা করি, ঠাকুর যাকে ভালোবাসেন তাদের সেবা করি, আচার্যদেবের সেবা করি, ওনাকে প্রতিষ্ঠা করে যা যা লাগে তা করি আমরা জীবনে। একটা উৎসবে আচার্য শ্রী শ্রী বরদা বলতেন এই জিনিসটা বলেছেন যে আমি ঋত্বিক বা আমি ঠাকুরের কর্মী, মানেই আমি ওনার দীনতম সেবক। আমি আবার রিপিট করছি, আমরা যে বলি আমরা ঋত্বিক বা ঠাকুরের একনিষ্ঠ কর্মী, ঠাকুরের সেবক, এর মানেটা হলো যে আমি ওনার হাম্বলেস্ট সার্ভেন্ট, এই ওয়ার্ডটা উনি ইউজ করেছিলেন, হাম্বলেস্ট সার্ভেন্ট, দীনতম সেবক। আমরা আমাদের ভিতরে যেন এই ভাবটা যেন সবসময় স্ফুরিত হয়ে থাকে যে আমি এখানে এসছি বা আমার, আমি যেভাবে কাজ করছি, আমি যেভাবে ওনাকে সেবা দিচ্ছি, আমার ভিতরে যেন ওই ভাবটা থাকে যে আমি ওনার সেবা করতে এসেছি আর আমি ওনার দীনতম সেবকে থাকতে চাই। টু সার্ভ আদার্স, আমরা যখন অন্যের সেবা করি আমাদের ভিতরে একটা সেন্স অফ অ্যাডহিয়ারেন্স, সেন্স অফ এলিজিয়েন্স আর অ্যাক্টিভ সার্ভিস দেওয়ার একটা ভাব থাকে আমাদের ভিতরে। এই জিনিসটাতে আমাদের ভিতরে সবসময় থাকে যে আমরা অন্যকে সেবা করি, ভালোবাসি, অন্যকে ঊর্ধ্বজাজি করে তুলতে পারি জীবনে, এই জিনিসটা আমাদের থাকে পারে। প্রত্যেকটা কর্মী, প্রত্যেকটা যাকে আমরা বলি ঋত্বিক, অধৈর্য, যাজক বা ঠাকুরের যে কোনো কর্মী আছে তাদের ভিতরে এই ভাবটা যেন থাকে যে আমরা ওনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, ওনার ভালোবাসাকে স্প্রেড করার জন্যে, ওনার কথা অন্য সবাইকে বলার জন্যে, যেন আমাদের জন্ম বা আমাদের এই যে আমরা যাকে বলি তপস্যা বলি, আমাদের যে ছোটো তপস্যা জীবনে আছে, আমরা যে ওনাকে নিয়ে চলছি জীবনে, আমাদের তপস্যা যেন তাতেই সফল হয় যখন আমরা এই ভাব নিয়ে ওনাকে জীবনে নিয়ে চলি। আর দুটো ছোটো জিনিস বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। একটা ঠাকুরের কথা আছে যে পুরুষোত্তমের অবর্তমানে তন্নিষ্ঠ তত্তপ আচার্যই স্মরণীয়, আবার আচার্য যখন না থাকেন তখন পুরুষোত্তম নিষ্ঠ শ্রদ্ধাই গুরুই আশ্রয়নীয়। ফল কথা আচার্য ও শ্রদ্ধাই গুরুর গুরুত্বের উৎসই হল পুরুষোত্তম নিষ্ঠা। তাই আমরা সবসময় যেন ইষ্টকেন্দ্রিক, আচার্যকেন্দ্রিক হয়ে জীবন চালনা করি, এটা আমাদের পক্ষে নিহাতি দরকার। আমাদের আরব আফ্রিকা কেন্দ্র এত ধন্য যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ, আমরা খুবই ব্লেসড যে পূজনীয় মা, তারপরে পূজনীয় বিঙ্কিদা এসে পা দিয়ে আমাদের কেন্দ্র উদ্বোধন করে গেছেন। আমরা সবসময় ওনার ডাইরেক্ট ব্লেসিং পেয়েছি। অনেক আমাদের কর্মী আছেন যারা জিসিসি কান্ট্রিতে হোক, আফ্রিকাতে হোক, যারা সবসময় নিজের গাইডেন্স দিয়ে, নিজের শ্রম দিয়ে, নিজের যাজন দ্বারা সৎসঙ্গ কেন্দ্রের নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা
করার প্রতিষ্ঠা করা, ওটাকে গ্রো করার দিকে কাজ করছেন। আমি সবাইকে আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জানাই, ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আমরা যা করতে পেরেছি ওনাকে নিয়ে, ওনাকে জীবনে নিয়ে, ওনাকে ওনার কথা শুনে, তা যেরকম আমাদের আরও রিফ্লেকটিভ কাজে আরও অগ্রগতি হোক আমাদের জীবনে, আমরা যেন ওই কেন্দ্রটাকে নিয়ে আরও ঊর্ধ্বমুখী হয় ইষ্টমুখী জীবনে চলতে পারি। আমার ইষ্টালোচনা শেষ করার আগে ঠাকুরের একটা বাণী দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের গন্তব্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি, আমাদের গন্তব্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি সবাইয়ের ধারণ পালন সম্যক সিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তার উপায় হচ্ছে আচার্যের সক্রিয় অনুরতি, তার উপায় কিন্তু হচ্ছে আচার্যের সক্রিয় অনুরতি। তার থেকে আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ আর সমাজ নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ। আর এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রচনা করে সবটা নিয়েই বিবর্ধনের দিক দিয়ে এগিয়ে চলা, আর এই সবগুলিকে সার্থক করে তোলা ঈশ্বরে। আর প্রাপ্তির পরম বেদনা হলো এই শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী। আসেন, আজকের এই যে মহা উৎসব চলছে, এই উৎসবের যে আনন্দ আজকে চলেছে তাকে আমরা সবাই উপভোগ করি। আর যদি আমরা অনেক দূরে আছি, এই টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা সবাই ইন্টিগ্রেটেড, সবাই এক, অনেককে পেয়েছি, তাদের মধ্যে বসে আছি। আমি সবাইয়ের ইষ্টকেন্দ্রিক মঙ্গলপ্রদ জীবনের জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাই, আমরা সবাই যেন সুস্থ স্বস্থ থেকে ওনাকে নিয়ে জীবন আনন্দ করে, সবাই যেন ওনাকে মাথায় নিয়ে চলি জীবনে, আর ওনাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, আর আমাদের জীবনকে সার্থক করতে পারি। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, জয় গুরু। ধন্যবাদ শ্রী দীপক কুমার দাস দা। আমরা আপনার আর আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা ঠাকুরের শ্রী চরণে করছি। থ্যাংক ইউ শ্রী দীপক কুমার দাস, উই প্রে ফর ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি ব্লিসফুল লাইফ অ্যাট দ্য হোলি ফিট অফ শ্রী শ্রী ঠাকুর। জয় গুরু। শ্রী সুশান্ত কুমার মহান্তি, এসপিআর টানজানিয়া, উনকা অনুভব অর ঠাকুর জি কি জীবনী অর পথ কে বারে মে ইষ্ট আলোচনা করেন। শ্রী সুশান্ত কুমার মহান্তি, এসপিআর তানজানিয়া, উড নাও ডু ইষ্ট আলোচনা। লেট আস অল লিসেন টু হিজ ব্লিসফুল ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্য জগজ্জননী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীমা, পরম পূজ্যপাদ যোগাচার্য দেব শ্রী শ্রী বড়দা, পরম পূজ্যপাদ প্রধানাচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবায়দাকে শ্রীচরণ মে মেরা সত সত প্রণাম। ওর সভি গুরু ভ্রাতায় মাতায় ও ছোটে ছোটে বচ্চে সবকো মেরা প্রীতি ভরা রাও জয় গুরু। আজ ইস ই সৎসঙ্গ কে দ্বারা হাম আরব আর আফ্রিকা মে শ্রী শ্রী ঠাকুর জি কে জন্ম দিবস কা উৎসব মনা রহে হ্যাঁ, ইয়ে বড়ি খুশি কি বাত হ্যায়। আর ইস সন্দর্ভ মে হাম সুবহ সে লেকে আব তক পুরা দিন আর আগে হর্ষ উল্লাস সে বিভিন্ন কার্যক্রম কে মাধ্যম সে হাম ঠাকুর জি কি গুণ কীর্তন যাজন করতে হ্যাঁ। আজ ইস যাজন কে সিলসিলে মে মে শ্রী শ্রী ঠাকুর জি কি জো আজ কা জো বিষয় হ্যায় যাজন কা ও হ্যায় লিডিং এন আইডিয়াল সেন্ট্রিক লাইফ লাইফস্টাইল ইন দিস কারেন্ট টাইম। তো আজ কি সন্দর্ভ মে হাম লোগ কো আদর্শমুখী জীবন যাপন করনা চাহিয়ে, এই আজ কা আলোচ্য কা বিষয়। তো হাম আদর্শ আইডিয়াল সেন্ট্রিক লাইফ কিউ লিড করনা চাহতে হ্যায়, কিউ লিড করনা চাহিয়ে, ইসকা আবশ্যকতা ক্যা হ্যায়, ইস চিজ কো সমঝানে কে লিয়ে মে এক
श्री श्री ठाकुर जी का एक घटना जो हुआ था हमारे उड़ीसा के एक विख्यात वैज्ञानिक आए थे श्री श्री ठाकुर जी के पास। उनका नाम था प्राणकृष्ण परिजा। वो एक इंटरनेशनल लेवल का बॉटनिस्ट थे। वो श्री श्री ठाकुर जी से यह बात पूछे थे, ठाकुर जी जीवन में आदर्श या गुरु का क्या आवश्यकता है, बिना आदर्श के बिना गुरु के हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी ने अति सहज भाव से समझाए थे कि आप बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, सब्जी मान लीजिए, तो सब्जी खरीदने के लिए आप क्या करते हैं ना, हम सब्जी को नाप के लाते हैं, एक तोलते हैं, तो जब वो तोलता है एक एक साइड में जितना सब्जी हमको खरीदना है, मान लीजिए आलू खरीदना है 1 किलो, तो 1 किलो का वजन का वो वेइंग स्केल बोलते हैं उसको डालते हैं, और दूसरा साइड में हम सब्जी डालते हैं और वो मिला के देखते हैं, बीच में कांटा होता है, वो कांटा को मिला के देखते हैं कि ज्यादा हुआ या कम हुआ सब्जी। और जब छोटा वाला कांटा से बड़े वाला कांटा एकदम एक ही लाइन में आता है, समान रेखा में आता है, तब हम समझते हैं कि मैं जितना सब्जी चाहता था उतना मैं अभी मुझे मिला। तो ठाकुर जी बोले 1 किलो आलू खरीदने के लिए, कुछ सब्जी खरीदने के लिए आप यदि एक छोटा कांटा से एक बड़ा कांटा को मिलाते हैं ताकि आपको पता चले कि आप जो जितना मात्रा का सब्जी लेना चाहते हैं उतना आपको सही ढंग से खरीदते हैं कि नहीं। तो उसी तरह जीवन को सही तरह से चलाने के लिए तो आपका जीवन में वैसा एक कांटा चाहिए, जरूरत नहीं है क्या, ऐसा एक कांटा चाहिए जिस कांटा को देख के आप अपना जीवन, और जो आईना बोलते हैं, आप अपना जीवन को आप ठीक ढंग से चला सकते हैं। वो आईना का रूप है, जैसे हम अपने चेहरा को आईना में देखते हैं और पता चलता है कहाँ गलत है मेरा चेहरा में और हम ठीक करते हैं, वैसे जो आदर्श होते हैं वो अपने चेहरा अपने आईना माफिक होते हैं और वो हमको पता चलता है उनके हिसाब से बोल देते हैं कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, कैसे हम सही करना है, विपरीत स्थिति में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए हम लोग को आदर्श का जरूरत है। आगे और एक गुरु भाई श्री जी ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर भगवान तो सबके लिए हैं, वो सब सबके लिए, उनका सारा संसार उनका है, उनका सृष्टि उनका है, तो फिर जो आदर्श को ग्रहण किए हैं उनको ही उनका वार्ता या मैसेज क्यों पहुंचता है, और बिना आदर्श वाले जो बिना आदर्श मुखी हैं, जिन जो आदर्श ग्रहण नहीं किए हैं उनके पास उनका वार्ता क्यों नहीं पहुंचेगा, ऐसा क्यों है, आदर्श क्यों ग्रहण करना है। तो ठाकुर जी बोले कि एक तालाब है, उस तालाब का एक मालिक है और वो मालिक उस तालाब में बहुत सारे मछली हैं, और वो मालिक क्या करता है, वो मछली का जाल डालता है और जाल डाल के मछली को पकड़ता है, तो जो मछली उस जाल में फंस गए उसी मछली को लेके वो मालिक आगे कुछ भी कर सकता है, उसको बेच सकता है या और भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो मछली उस जाल में फंसे नहीं है, उस जाल के अंदर नहीं आ पाए, वो मछली को कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो सब मछली उनका ही है क्योंकि ये तालाब उनका है। उसी तरह जो परमपिता होते हैं, ये सारा संसार सृष्टि उनका है, लेकिन वो जो उनके शरण में आते हैं, जो उनको ग्रहण किए हैं आदर्श के रूप में, उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आदर्श का जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हम लोग को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, सेल्फ थॉट के लिए,
सेल्फ जजमेंट के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ एंथुसियाज्म के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, सेल्फ लिबरेशन के लिए हम लोग को एक स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना होगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमको आदर्श का जरूरत है। बिना आदर्श स्पिरिचुअल लाइफ हम लीड नहीं कर सकते। नैतिकता लाइफ लीड कर सकते हैं, नीति को हम मान सकते हैं। नैतिकता लाइफ का मतलब है नीति को हम जीवन में मान सकते हैं। उसमें हो सकता है गुरु जरूरत ना हो, किताब को पढ़ के, किताब में नीति लिखा गया है, हमारे शास्त्र में नीति लिखा गया है, उसको पढ़ के हम मान सकते हैं, उसी को नैतिकता जीवन बोल सकते हैं। पर जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का बात करते हैं, तब गुरु का जरूरत होता है, तब आदर्श का जरूरत होता है। श्री ठाकुर जी के पास एक विदेशी आदमी आए थे ब्रिटेन से, उनका हम पूछे ठाकुर जी नैतिकता जीवन के लिए का गुरु का जरूरत नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअल बा या हम ये बोल सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु का आवश्यकता है। तो हम क्या बिना नैतिकता जीवन से ही हमारा जीवन को हम लीड नहीं कर सकते, जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हमको यदि हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाना पड़ेगा तो किसी के पास हमको शरणापन्न होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? नीति तो हर जगह लिखा गया है, उसी नीति को पढ़ के उसी नीति को हम फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं, और उसी नीति को मानने वाले और भी कुछ लोग हैं, उनको देख के, उनके आचरण को देख हम कुछ आगे कर सकते हैं, नीतिवान हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ या गुरुमुखी लाइफ या आदर्शमुखी लाइफ का क्या जरूरत है? तब ठाकुर जी बोले कि नीति को मानने के लिए, नियम को मानने के लिए कोई नियम नहीं मानता है। आउट ऑफ अर्ज टू सेटिस्फाई द सुपीरियर बिलॉव्ड, तब वो नियम को मानते हैं। यदि बिना विदाउट एनी सुपीरियर बिलॉव्ड यदि आप नियम को मानने की चेष्टा करें, नियम का खिलाफ भी हो सकता है, नियम भंग भी हो सकता है। लेकिन यदि किसी सुपीरियर बिलॉव्ड को आप यदि खुशी करना चाहें, तभी ये नियम को आप भंग करने का चांसेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन, आदर्शमुखी जीवन जरूरत है। ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म इज द इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेंशन ऑफ हाउस एंड वाइस। ठाकुर जी बोलते हैं कि क्यों मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअलिज्म। इट्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउस एंड वाइस by which matter extends and grows to the acceleration of being and becoming। बढ़ने, बचने और बढ़ने का जो स्रोत है, जो रास्ता है, उसी को ही हम आध्यात्मिक बोलते हैं। और ये आध्यात्मिक जीवन के लिए हमको आदर्श का जरूरत है। और आज की पृष्ठभूमि में at the current scenario हर एक का जीवन में आध्यात्मिक का जरूरत है, और सबसे ज्यादा युवा वर्ग को जरूरत है। क्योंकि इन द प्रेजेंट सिनेरियो द यूथ जनरेशन आर अंडरगोइंग सीवियर फ्रस्ट्रेशंस, इनसिक्योरिटी, इनडिसिप्लिन, रेस्टलेसनेस, केयरलेसनेस, ये सब चीज के थ्रू जा रहे हैं। टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स वी नीड एन आइडियल सेंट्रिक लाइफ। तो आइडियल कौन हो सकते हैं? हु इज एन आइडियल? हम किसको आदर्श मान सकते हैं? ठाकुर जी अपने छोटा सा वाणी में ये बोलते हैं, जाके देखे चोले तुम्हार चलन सार्थकता हो, उल्लंघने एड़ाते पारो अनेक विपर्चय। जिसको देख के तुम्हारा चलना सार्थकता होता है, सार्थक लाभ कर सकता है, सक्सेस को टच कर सकता है, पिक को पहुंच सकता है, जिसको अनुसरण करके, और तुम्हारे बहुत सारे विपर्य को या विपत्ति को हम सहज भाव से निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, वही हमारे गुरु हो सकते हैं। तो गुरु ऐसा आदमी बन सकता है जो मनुष्य के अंदर, वो खुद ही आत्मनियंत्रित है और मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण का प्रभाव का स्रोत जागृत करते हैं। क्योंकि हर एक जीव के अंदर वृत्ति प्रवृत्ति है, और हर एक आदमी
दो तरफ से उपभोग करना चाहता है अपने जीवन को। एक है कि वृत्ति प्रवृत्ति से उपभोग करना चाहता है और एक होता है सत्तागत उपभोग करना चाहता है। लेकिन जो वृत्ति प्रवृत्ति के द्वारा जो उपभोग मिलता है वो चिरस्थायी नहीं होता है। आदमी क्रोध, काम, लोभ, मद, माश्चर्य, हिंसा, द्वेष, अहंकार, अभिमान, असहनीयता, स्वार्थपरता, ये सब वृत्ति प्रवृत्ति है। और इसके दो साइड है, इस वृत्ति प्रवृत्ति के एक पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड है। लेकिन यदि हम इसको सत्तामुखी यदि बना दे, जो अस्तित्वमुखी बना दे इसी वृत्ति प्रवृत्ति को, तभी ये हमारे पॉजिटिव एंगल में काम करेंगे। लेकिन इस अस्तित्वमुखी वृत्ति प्रवृत्ति हर एक समय दे आर ऑल द मास्टर्स, वो हर एक समय हमारे ऊपर चाप डालता है, प्रेशर डालता है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सत्तामुखी बनाने के लिए हमको एक आदर्श की जरूरत है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि आदर्श मुखी जीवन जो होता है वो आत्मनियंत्रित जीवन होता है। तब ये आदर्श कौन हो सकता है, किसको हम आदर्श कर सकते? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ वर्ल्ड टीचर अबव एंड ओवर द ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल टीचर। When they command, the lowest of low become Mahatma, and he is the highest Godhood in the human form. बोलते हैं कि ऐसा अनेक साधु संत के साथ ऐसा एक जगत गुरु आते हैं, special class of world teacher. जब वो command करते हैं, जब आदमी उनके शरण में आता है, तो महा क्षुद्र आत्मा से क्षुद्रतम महात्मा में परिणत होता है। He is the highest Godhood in the human form. इसीलिए वो होते हैं highest and the best, वो होते हैं fulfiller the best, वो होते हैं one and the unique, वो होते हैं राष्ट्र का जीवन। He is the divine commandment, He is the most resolved personality, वो होते हैं विश्व गुरु होते हैं। He is the present ideal of the time, और वो होते हैं गणनायक होते हैं या गणेश होते हैं। He is the natural leader of the mass, and is a man of perfection. वो सर्वपत होते हैं, वो सर्वमत होते हैं, वो सर्वसंग होते हैं। He is ever alluring and ever attending. He is the best guide of the human evolution. ये सब गुणावली आदर्श में होता है, और ये सब गुणावली जिनके पास होता है उसी को हमारा शास्त्र पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो जो जो पुरुषोत्तम होते हैं वो सभी को परिपूर्ण करते हैं, अर्थात फुलफिल करते हैं, सार्थक बनाने में सफल, सार्थक बनाते हैं, सफल सफल बनाते हैं, पारदर्शिक में उद्भुत करते हैं, उन्नत और कृतार्थ करते हैं वही होते हैं पुरुषोत्तम। He leads an truly divine life, अभ्रांत पुरुष होते हैं, और वो त्रिकालज्ञ पुरुष होते हैं, और निर्भुल पुरुष होते हैं, वही होते हैं पुरुषोत्तम। वही होते हैं सच्चिदानंद पुरुष। सचिदानंद जो होते हैं सत, चित और आनंद। He is the existence of all that exist. वो समस्त अस्तित्व का स्रोत हैं। वो समस्त अस्तित्व का स्रोत हैं। इसलिए वो उनको सत कहा जाता है। He is the responsiveness of all that responds. So चित that he is. वो सब विवेचने का चैतन्य का मूलाधार है, इसलिए वो चित होते हैं। And he is the becoming of each that comes. Thus, the ananda he is. वो समस्त समस्त वृद्धि का आधार होते हैं, वो आनंद हैं, और आनंद का आधार होते हैं, वही होते हैं सच्चिदानंद पुरुष। तो वही होते हैं पुरुषोत्तम। सो हर युग में पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुए हैं मनुष्य रूप में। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो युग पुरुषोत्तम है, वर्तमान का युग पुरुषोत्तम है, वही है। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि मैं जो बोलता हूं वो है एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। इसे विज्ञान भी तुम कह सकते हो, इसे तुम साहित्य भी कह सकते हो, इसे तुम दर्शन भी कह सकते हो, और इसे तुम अर्थ बोधहीन भी कह सकते हो, उससे मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूं, ये सब कुछ जो मैं बोला हूं वो फिजूल की बात नहीं है। जो मैं कहता हूं
ये सब मेरे जीवन की अनुभूति है और आज नहीं समझने पर भी आगे का दिन में मनुष्य इसको जरूर समझेगा। अगर नहीं समझेगा तो उससे भी मेरा कोई दुख नहीं है, लेकिन वो दुख नहीं है, समझेंगे मैं समझूंगा कि परमपिता का यह इच्छा ही है, ये सभी उनका देन है और मैं एक माइक्रोफोन ही जैसा हूं, मैं उनकी बात आपके सामने प्रस्तुत करूं। यही होते हैं पुरुषोत्तम, जो अभिज्ञ पुरुष होता है, हर एक जीवन का हर एक पहलू को वो जानते हैं, वही होते हैं पुरुषोत्तम। तो आदर्श निष्ठ होने का मतलब होता है श्रेय पुरुष के साथ युक्त होना चाहिए, जैसा अर्जुन युक्त हुआ था श्री कृष्ण के साथ, शिवाजी युक्त होते रामदास के साथ और विवेकानंद युक्त होते श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ। तो बिना आदर्श जो जीवन होता है वो कब किस मोड में ले जाए इसका कोई हम ठिकाना नहीं कर सकते। इसलिए आदर्श जीवन तो जरूरी है ही और हर एक जीवन में आदर्श जरूरी है। आदर्श को ग्रहण करने का कोई समय सीमा भी नहीं है। जब पता चला कि ये मेरा आदर्श हो सकते हैं, ये पुरुषोत्तम जो आए हैं या सदगुरु जो आए हैं, वही पुरुषोत्तम जो होते हैं वही सदगुरु होते हैं और ये आदर्श होते हैं, तब क्षणक हमको उनको ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि सद्दीक्षा तो ने एकुन इष्टते रख संप्रति मरण तारण एनम जपे काटे अकाल जमृति। बोलते हैं सद्दीक्षा लेने के लिए कोई समय नहीं होता है। जब तुमको पता चला कि ये सद्दीक्षा लेने का मेरा समय आ गया, सद्गुरु का संधान मिल गया, मुझे सद्दीक्षा लेना ही लेना है और सद्दीक्षा के माध्यम से ही हम सद्गुरु की प्राप्त हो सकते हैं। तो जब तक हम सद्गुरु का प्राप्त नहीं हुआ है तब तक हम अस्तित्व के रास्ता में शब्द की रास्ता में जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आइए ये हम सब जो बोलते हैं कि हम प्रतिज्ञा करें कि हम घर घर में आचार्य देव की जो वार्ता है कि दीक्षा घर घर में पहुंचना है, आदर्श को हम उनके पास पहुंचा दें, जो आज के आदर्श हैं, जो सदगुरु हैं हमारे गुरुदेव श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनके पास हम पहुंचा दें दीक्षा के माध्यम से, अपनी ठाकुर जी की जाजन करके हर एक आदमी के पास पहुंचा दें, ताकि हर एक आदमी ये सारा विश्व धन्य हो और विश्व को बचा पाए। यही होता, इतने कहकर मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। धन्यवाद सुशांत कुमार मोहंती दा, हम आपको और आपके परिवार की मंगल कामना ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं। थैंक यू श्री सुशांत कुमार महंती। वी प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली इज ब्लिसफुल लाइफ इन द लोटस फीट ऑफ श्री ठाकुर। जय गुरु। श्री भिलाई रंजन कुछाई एसपीआर यूएई, उन्हीं उनार अनुभव और ठाकुर जीवनी और पथे सम्बन्धे इष्ट आलोचना करबे। श्री भिलाई रंजन गुच्छाइत एसपीआर यूएई वुड नाउ डू इष्ट आलोचना। लेट अस ऑल लिसन टू हिज एक्सपीरियंसेस एंड ठाकुर्स आइडियोलॉजी विच विल हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू अपलिफ्ट वंस लाइफ। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं सत्तत्वार्ता विभूषणं अमरकीर्तिसारणं प्रौद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवनजीवनं सत्पुरुषं परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी लक्ष्मीदेवी श्री श्री बड़मार श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दार श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादार श्री चरणे कोटि कोटि प्रणाम। পূজন বাবাইদার শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের সকলের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। উৎসবে উপস্থিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, ভক্তিমতী মায়েরা, ইষ্টপ্রাণ দাদারা এবং স্নেহের ছেলেমেয়েরা, প্রতি প্রত্যেকের যথাযথ স্থানে আমার ভক্তিবিনম্র প্রণাম, প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও রানন্দিত জয়গুরু।
परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री श्री दादार आशीर्वादे आरब आफ्रिका सत्संगर उद्योगे आज श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंदर शुभ 133तम जन्म महोत्सव उद्यापित होच्छे। आज थे 133 बचर आगे 1295 त्रिशे भाद्र शुक्ला ताल नवमी तिथि वर्तमान बांग्लादेशेर पावना जिलार हिमायतपुर ग्रामे पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोहनी देवी गृह आलोकित करे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर धराय अवतीर्ण हन। जुगे जुगे तारा आसेनी धराधामे, जेमन एसेछिलेन श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण, श्रीबुद्ध, लॉर्ड जेसस, पयगम्बर हजरत मुहम्मद, श्री चैतन्य देव, श्रीरामकृष्ण एवं विंश शताब्दीते परम प्रेममय जुगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र। गीता श्रीकृष्ण बोलें, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे। गीताय श्रीकृष्ण बोलेछेन, हे अर्जुन, जखनी धर्मेर ग्लानि हय तखन आमि निजेके सृष्टि करि, देह धारण करि, साधुदेर परित्राणेर जन्य आर पापीदेर विनाश करे धर्म संस्थापन करे सृष्टिके रक्षा करि। ठाकुर ए जुगे जान सेई पुनरावृत्ति करलेन, धर्म जेखाने विपाकी बाहने व्यर्थ अर्थे धाय तखनि प्रेरित आविर्भूत हन पापी परित्राण पाय। देवभूमि भारतवर्ष धर्मके आश्रय करि बाँचते चेयेछे, धर्मेर नामे संकीर्णता ও সাম্প্রদায়িকতা আজ দিকে দিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে। নিজ ধর্ম প্রেরিত পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হলেও পরধর্ম ও তার প্রবক্তাদের সেই দৃষ্টিতে দেখতে শেখেনি সাধারণ মানুষ। শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানুসরণ বললেন, ভারতের অবনতি তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমর্ত ভগবান অসীম হয়ে উঠেছে। ঋষিবাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। তিনি সাবধান করে বললেন, ভারত যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করতে চাও তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের প্রভুর ও গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও, আর তোমার মূর্ত ও জীবন্ত গুরু বা ভগবানে আসক্ত হও, আর তাদেরই স্বীকার করো যারা তাঁকে ভালোবাসে, কারণ পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। শ্রী শ্রী ঠাকুর ধর্ম সম্পর্কিত আমাদের যে ভ্রান্তি ছিল সেগুলো দূর করে দিলেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, আর প্রেরিত পুরুষগণ সে একই বার্তাবাহী। বাণী দিলেন, বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস শ্রীচৈতন্য রসুল কৃষ্ণে, জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব একই ওরা তাও জানিস নে। ঠাকুর বললেন, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস থাকে, ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে, ধর্মে জীবন দীপ্ত রয় ধর্ম জানিস একই হয়। তিনি বললেন, হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ওসবগুলি মত। তিনি বললেন, সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য। পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, যত মত তত পথ। শ্রী শ্রী ঠাকুর আরও সোজা করে দিয়ে বললেন, যত মত সব একই পথ। মানুষ যত দেব দেবতার পূজা করুক, মন্দিরে মসজিদে গির্জায় যত প্রার্থনা করুক, আর যত তীর্থ ভ্রমণ, গঙ্গা স্নান, দান দক্ষিণায় করুক না কেন, পুরুষোত্তমে অচ্যুত নিষ্ঠা ও সক্রিয় অনুরক্তি ব্যতীত মানুষের বেষ্টি ও সমষ্টি জীবন কিছুতেই সুশৃঙ্খল, শান্তিময়, সুসংহত হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ এক কথায়, বাঁচাবার ধর্মলাভ সার্থক হবে না জীবনে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেছেন, সচ্চা সত্তা সচ্চিদানন্দময় অসৎ নিরতিশতই, সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা তাই ধর্ম, ধর্মমূর্ত আদর্শে আদর্শে দীক্ষান অনুরাগ, অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ,
वित्त नियंत्रण आने धृति, धृति आने सहानुभूति, सहानुभूति आने संहति, संहति आने शक्ति, शक्ति आने संवर्धना। प्रत्येक मानूष चाय बाँचते बाढ़ते चाय सुख समृद्धि शांति, किंतु बाँचा बाड़ार प्रकृत अंतराय प्रवृत्ति वशवर्ती चलन षड़ ताड़नाय मानूष आज विपदग्रस्त। प्रवृत्तिगुली जदि सुनियंत्रित ना हय ताले चरित्र हय ठाकुरे भाषाय कतगुली केउटे सापेर आस्ताना, कखन जे कोनटा छबल मेरे जनजीवन अतिष्ठ करे तुलबे तार ठीक नाई। प्रवृत्तिर दासत्व थेके मुक्त हलेई मानुष पाय शांति ओ साम्यचलन, भोग करे प्रकृत स्वाधीनतार सुख। ताई मानुषेर प्रयोजन हय मानुष ईश्वर, मानुष भगवान, ঈশ্বরের ব্যক্ত প্রতীক আচার্য সদ্গুরু, যার সঙ্গে নিত্য যোগ রেখে মানুষ চলতে পারে। তিনি অবতার পুরুষ গুরু পুরুষোত্তম নররূপী ভগবান। তার অসীম প্রেমের আকর্ষণে তিনি সবাইকে কাছে টানেন, বুকে তুলে নিতে চান প্রতি প্রত্যেকটি জীবনকে। আর তারই মাধ্যম হল দীক্ষা, সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা ও তদ অনুগচরণের মধ্য দিয়ে কাটে মানুষের ভিত্তিভাস। দীক্ষা পরবর্তী জীবনে মানুষ ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলে অমৃত লাভ করতে পারে, জীবনকে সুন্দর করতে পারে। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার বিধান দিলেন যজন যাজনিষ্ঠ ভীতি সস্তনি সদাচার। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন ইষ্টভীতে দীক্ষা বাঁচে, শরীর বাঁচে কর্মে, সদাচারে সমাজ বাঁচে, জীবন বাঁচে ধর্মে। দীক্ষা পরবর্তী জীবনে মানুষ পায় আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ। মানুষকে ধর্মদান করাটাই যে সব জেগে আকাঙ্ক্ষিত সে কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর বারবার বলেছেন। তাঁর কথায় একজনকে খেতে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান। তাকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে নিজে খেতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে আর দশজনকে খাওয়াতে পারে। সেই স্বনির্ভর প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতেই সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠা। যুগপুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুরই সৎসঙ্গের আদর্শ ও ইষ্টগুরু। সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য হল ইষ্টনিষ্ঠা আনুগত্য ও কৃতিসম্যকের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র নিয়ে সহজাত সংস্কার অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করে সুবিবাহ ও সুজননে ক্রমোন্নত হয়ে সেবায় সমাজকে সমুন্নত করে বেষ্টি সমষ্টির সুকেন্দ্রিক ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে চলা। সৎসঙ্গ ধর্মান্তকরণে বিশ্বাসী নয়, আলাদা কোনো মত ও ইজিম নেই সৎসঙ্গের। সৎসঙ্গের আশ্রয়ে যারা খ্রিস্টান মুসলমান বৌদ্ধরা আসছেন তারা ঠাকুরের নির্দেশিত পথে চলে উপযুক্ত খাঁটি খ্রিস্টান খাঁটি মুসলমান খাঁটি বৌদ্ধ হবার প্রেরণা পান নিজের ধর্ম কৃষ্টিকে বাদ না দিয়ে। তাই জাতি ভাষা ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির ঐক্য সংহতির এক বিস্ময়কর সাধারণ সংস্থা হল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ। বর্তমান যুগের বিস্ময় ও সব রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সকলের মিলনক্ষেত্র ও একান্ত আশ্রয়স্থল। আলাদাভাবে সমাজ সংস্কারে সৎসঙ্গ আগ্রহী নয়, শ্রী শ্রী ঠাকুর বলেন সোসাইটি সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে আগে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকে গড়ার দরকার। আমি ঠিক না হলে পরিবার ঠিক হয় না, আবার পরিবার ঠিক না হলে পরিবেশ ঠিক হয় না। আমার এই পরিবার পরিবেশ তথা ভর দুনিয়াটা নিয়ে আমি একটা। ঠাকুর স্বপারিপার্শ্বিক বাঁচা বাড়ার কথা বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে গেলে পরিবেশকে সেবা দিতে হবে। তিনি বললেন যত পারো সেবা করো, কিন্তু সাবধান সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়। তিনি বললেন প্রতিবেশীর খেয়াল রাখতে। তিনি বললেন তুই সুখ খাবি বুঝি, পড়োশিরা সব নিপাত যাবে, যা ছুটে যা ওদের বাঁচা, ওরাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর ছিলেন মানুষের কাঙাল। তাঁর বাণী হল মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।
তার কথা আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এ লিভিং ইউনিভার্স টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট এ সিঙ্গল পার্সন ইজ ইগনোরড অর নেগলেক্টেড জাস্ট সো মাচ এনি প্ল্যান মুভমেন্ট অর ইনস্টিটিউশন বিট্রেজ এক্সিস্টেন্স তিনি আরও বলেছেন একটা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমি একটা মানুষ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই আমার একটা মানুষকে মানুষ করে তুলতে যদি একটা সাম্রাজ্য ফতুর করে দিতে হয় তাতেও আমি কুণ্ঠিত নই সৎসঙ্গ বিশ্বাস করে ব্যক্তি জীবন আদর্শ ও পারিপার্শ্বিকের সার্থক সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে আসে জীবনের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা আর সুসংগত চরিত্রবান মানুষই হন দেশ ও জাতির প্রকৃত সম্পদ শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গ তাই প্রকৃত মানুষ তৈরির কারখানা শ্রী শ্রী ঠাকুরের অজচ্ছল দয়ায় সৎসঙ্গ আন্দোলন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে তিনি দয়া করে আমাদের জন্য আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি করেছেন তিনি বাণী দিলেন ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম প্রতীকগুরু বংশধর রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা ও পূজনীয় বাবাদের মাধ্যমে শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রতিনিয়ত লীলা আজও চলছে শ্রী শ্রী ঠাকুর 10 কোটি দীক্ষার কথা বলেছিলেন পরে অন্তত 3 কোটি দীক্ষার কথা বলেছিলেন বর্তমান আচার্য দেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বললেন আসুন আমরা প্রতি প্রত্যেকে এই মহান যজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করি ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে তার কাজে তোর সঙ্গতি যোগান দিয়ে ধন্য হতুই হোক দলিত দুর্মতি উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জপ যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই দপ আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের ইষ্টোজ্জ্বল জীবন এবং দীর্ঘায়ু এবং সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি পরম পিতার আতুচরণে সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আমার রানন্ত জয় গুরু জয় গুরু ধন্যবাদ শ্রী ভিলাই রঞ্জন গুছাই আপনার আর আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী চরণে থ্যাংক ইউ শ্রী ভিলাই রঞ্জন গুছাই SPR UAE উই প্রে ফর ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি ব্লিসফুল লাইফ অ্যাট দ্য হোলি ফিট অফ শ্রী শ্রী ঠাকুর জয় গুরু শ্রী আশিস বসু দা SPR USA उनका अनुभव और ठाकुर जी के जीवनी और पद के बारे में इष्टालोचना करेंगे श्री आशीष बसुदा USA SPR ही विल डू इष्टालोचना ऑन श्री श्री ठाकुर आइडियोलॉजी एंड लाइफ लेट अस एंजॉय हिज ब्लिसफुल वर्ड्स जय गुरु एट द ऑनसेट माय ओबेसेंस টু পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা এন্ড পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাইদা বেসিক্যালি আই কনসিডার ইট এ প্রিভিলেজ to be able to speak on this very holy occasion commemorating the 133rd birth anniversary of Sri Sri Thakur Anukul Chandra organized by Arab and Africa Satsang Center United Arab Emirates I am really grateful to Anand Suryabanshi Bhai for inviting me into this process which kept my day evolving into a very holy one. I will just narrate one story of my life, a story of how many lives were saved almost 4 decades ago in an accident episode.
So exactly 38 years ago, back home in India, I used to be a daily commuter on a local train, which was scheduled to arrive at Konnagur station at 9:36 a.m., like every day. This train used to take us to the terminus Howrah station in about 25 minutes, Monday through Friday, week after week. Like every day, I was there a few minutes ahead of time. And that day I was intercepted by Shailendranath Da, a neighbor from our suburban village of Konnagur, who demanded to hear about our living master, Sri Sri Dada. That was new. It hardly happens in an aspiring but mostly deficient jajak like me. I was pleased to have this rare opportunity and started to converse with Shailendranath Da. I was narrating my recent interactions with Acharya Deva, talking about his unconditional grace and love. We got really sucked in the divine realm. It so happened that we got immersed in the topic so much that the arrival and the departure of the 9:36 a.m. train went unnoticed by both of us. Evidently, a few minutes later, a fellow passenger shouted to let us know that we actually missed the train. What happened? What happened is we then took the next local train for Howrah station. As always, we were on the very first compartment, which would ensure us to conquer the queue of the public bus by running a blaze to the bus station. The conversation continued between Shailendranath Da and myself. The train halted between Lilua and Howrah station and never moved for the next 20 minutes. We then came to know that we would have to disembark from this train by jumping and walk our way to the terminus miles away. This was resulted by the manually driven signaling error causing a front end collision between the 9:36 a.m. train we missed and the upcoming Punjab Mail coming from the terminus. We saw the paramedic team and other government authorities were super busy collecting a few hundred strewn dead bodies destined for the morgue. We came to know that not one person was alive. That was a passenger of the very front compartment of the 9:36 a.m. train. Sri Sri Thakur saved both of us and actually eventually many of us, since Shailendranath Da engaged me in the process of jajan as prescribed by Sri Sri Thakur. He is the providence, the life giver,
and the eternal protector of our lives. Lord Sri Krishna once replied to inquiring Narad, saying, Naham tishthami Vaikunthe. I do not reside in Vaikuntha. Yoginam hridayanacha. Nor do I reside in the hearts of the yogis. Madhvakta jatra gayanti. Wherever my disciple sings my glory, tatra tishthami Narad. That's where I reside, Narad. Shortly after descending as a rescuer of the universe, Sri Sri Thakur Anukul Chandra proclaimed in the backdrop of death, disease, ignorance, and poverty, Ma Mriyosho, do not die. Ma Johi, do not cause death. Shakkate Chet, Mrittum Abolapaya, but resist death to death. I can go on and on. Things happened in my life that are happening in the life of every satsangi all over the six continents of the world. Many stories will remain untold forever that are, however, unmistakably written with the golden ink in our hearts, etched with devotional spirits. Each story is a story of being delighted from the cusp of darkness. A story of a common man or a common woman or a little boy or a little girl being saved by our love Lord. His only purpose of descension is to save us from the horrors of the time and transcend us to the path illuminated by him. The same saga continues with our living master, Param Pujyapad Acharya Dev Sri Sri Dada. His legacy is now offering the same solution powered by the infinite flow of love from Sri Sri Thakur. My sincere prayers for all of you that are listening or not, for the best of time to come in our lives, in your lives as well. If possible, seek shelter from Sri Sri Thakur and see how he can save and transform your life, as he already ensured for 30 million people all over the world. By the special recent blessings of Param Pujyapad Acharya Dev Sri Sri Dada, we now look forward to evolving into another 35 million devotees. Only sincere efforts on our part will take us to that evolution. My adoration to our love Lord, Vande Purushottama. Dhanyavad Sri Ashish Basuda. हम आपका और आपके परिवार की मंगल कामना ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं। थैंक यू श्री आशीष बसुदा, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर स्पीच। वी प्रे इन द लोटस फीट ऑफ श्री श्री ठाकुर फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ। जय गुरु।